श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। यदि आपका पैसा गलत मार्ग पर जा रहा है, बिना किसी कारण के आपके घर में बीमारी हो जाती है और पैसा बिना कारण ही खर्च हो जाता है, या कोई और मुसीबत आ जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आप उन्नति की राह पर नहीं जा रहे हैं, तो एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। दर्शकों, उपाय जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दर्शकों, इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक लोटा जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें और उसमें 7 बेलपत्री ले लें। ध्यान रहे बेलपत्री खंडित ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी बेलपत्री आप उसमें रख लें और भगवान शिव के मंदिर में जाएं। भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद आप उस एक लोटा जल को भगवान नंदी के चरणों में चढ़ा दें और उन बेलपत्रों को वापस उसी लोटे में रख लें। फिर उसके बाद उन बेलपत्रों को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करने की भगवान से प्रार्थना करें। दर्शकों, यह उपाय मात्र एक एकादशी करने के बाद आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, ना ही आपका पैसा किसी गलत मार्ग पर जाएगा, आप उन्नति की राह पर जाएंगे। दर्शकों, आज का यह उपाय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।